Good morning, students. How are you all? I hope you are very well at your home and stay at your home. Students, today we are going to see chapter number 11, Nation Pride, and see revision chapter number 11. Now, we are starting question number 1. Choose the correct option. So let us see some MCQs and fill-ups related to these chapters. Now we started here. Question number 1. Who congratulated the child for averting the train accidents? जब train accidents हुआ था तो child जो है students वो चाइल्ड जो है एक्सीडेंट्स के टाइम्स क्या अवेटिंग कर रहा था, कौन अवेटिंग्स कर रहा था जब ट्रेन एक्सीडेंट्स हुआ था. ओके, किसको कॉन्ग्रेचुलेटेड किया गया था, यानी जो चाइल्ड जब चाइल्ड का एक्सीडेंट्स हुआ था ट्रेन के एक्सीडेंट्स में, तो उसे कॉन्ग्रेचुलेटेड किसने किया था. हु कॉन्ग्रेचुलेटेड द चाइल्ड फॉर अवेटिंग द ट्रेन एक्सीडेंट्स. तो ट्रेन एक्सीडेंट्स के अवेटिंग के लिए चाइल्ड को किसने कॉन्ग्रेचुलेटेड किया था स्टूडेंट्स, गार्ड ने. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो भी इवेंट्स हुआ था, जो भी घटना घटी थी, तो गार्ड्स क्या कर रहा था, वॉच कर रहा था. और जो चाइल्ड था उसकी बहादुरी को देखकर जो गार्ड ने उसे कॉन्ग्रेचुलेटेड किया. सेकेंड, विच लीडर ऑफ अवर नेशन इज आल्सो नो एज सरदार. लीडर्स मीन्स नेता, नेशन मीन्स राष्ट्र, नो एज सरदार. कौन से नेता हैं जो हमारे राष्ट्र के लिए सरदार के नाम से जाने जाते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे कौन से लीडर्स हैं हमारे जो सरदार के नाम से जाने जाते हैं हमारे राष्ट्र के लिए. आंसर विल बी बी, वल्लभ भाई पटेल. तो वल्लभ भाई पटेल क्या थे, एक लीडर थे हमारे नेशंस के. ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर्स में आजाद हो गए. थर्ड, ऑन विच फेस्टिवल डिड द ब्रिटिशर्स इरेक्ट द स्टेचू एट द सेंटर्स ऑफ मेघराज विलेज. कौन सा फेस्टिवल था जो ब्रिटिशर ने स्टेचू को इरेक्ट किया था मेघराज विलेज के अंदर सेंटर्स में. ठीक है, कौन से फेस्टिवल्स वो जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर्स में जो अंग्रेज लोग थे स्टूडेंट्स, उन्होंने कौन सा स्टेचू इरेक्ट किया था वहाँ पर, कौन सा स्टेचू सेंटर्स में मेघराज विलेज के अंदर लगाया था और किस फेस्टिवल्स पर. आंसर विल बी डी. फोर्थ, डैश इज अ फ्रीडम फाइटर हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम्स ऑफ अवर कंट्री. डैश इज अ फ्रीडम फाइटर Who sacrificed his life for the freedom of our country? तो ऐसे स्टूडेंट्स कौन सा फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर में हमारे देश को आज़ाद कराने में जो फाइटर थे लड़े. ठीक है, वो अपने सेक्रीफाइस हो गए, अपनी लाइफ को उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया हमारी कंट्री को आज़ाद कराने के लिए. तो ऐसे कौन कौन था वो फ्रीडम फाइटर्स, इट इज़ चंद्रशेखर आजाद. ओके, हिज नेम इज़ चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया हमारी कंट्रीज को फ्रीडम्स दिलाने में. नेक्स्ट, फिफ्थ, हु ब्रॉक, ब्रॉक मीन्स तोड़ना, हु ब्रॉक द स्टेचू मेड बाय ब्रिटिशर्स इन मेघराज विलेज. मेघराज विलेज के अंदर जो ब्रिटिशर लोगों ने अंग्रेज का जो शासन चल रहा था मेघराज विलेज के अंदर, तो वहाँ पे जो स्टेचू बनाया था ब्रिटिशर लोगों ने एक सेंटर्स, मेघराज विलेज के सेंटर्स में एक स्टेचू उन्होंने इरेक्ट किया था, लगाया था स्टेचू, तो वो स्टेचू किसने ब्रॉक किया था, किसने तोड़ दिया था स्टूडेंट्स, तो हिज नेम इज पूनम चंद पांड्या. पूनम चंद पांड्या ने वो स्टेचू को ब्रॉक कर दिया था एट द नाइट में.
Second, fill in the blanks with the appropriated words or numbers. Fill ups करना है आपको, fill in the blanks को fill करना है words और numbers से. First, one who dies. Dies means student death होती है students. Okay, dies means death means मृत्यु हो जाना. One who dies for of his faith or beliefs. Faith means विश्वास, beliefs means विविधता, faith or beliefs both are similar meaning. In his countries or cities or village is called das. One who dies for his faith or beliefs, यानी हमारे cities और village और हमारी countries को, कंट्रीज के अंदर जो भी शहीद लोग हो गए थे, ठीक है, जो डाइज हो गए थे, जो शहीद हो गए थे, उन्हें हमें, हम उन्हें क्या बुलाते हैं स्टूडेंट्स, किस नाम से बुलाते हैं? इट इज़ मार्टियर. मार्टियर में शहीद, ठीक है, जो लोग हमारी कंट्री, सिटी और विलेज को फ्रीडम दिलाने के लिए जो आज़ाद हो गए थे, जो लोग मर गए थे हमारी कंट्रीज और सिटीज विलेज को आज़ादी दिलाने के लिए, जो फ्रीडम फाइटर थे, उसे हम मार्टियर के नाम से बुलाते हैं. सेकेंड, आवर कंट्री अचीव्ड. हमारी कंट्री ने अचीव किया, अचीव मीन्स हासिल किया. आवर कंट्री अचीव फ्रीडम ऑन 15 अगस्त, यानी हमारी कंट्री जो थी, हमारा जो देश था, वो कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, लेकिन कौन से ईयर्स में आज़ाद हुआ था स्टूडेंट्स? ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस को आपको रिमेम्बर रखना है. आपके जो भी आगे आप कंपटीशंस एग्ज़ाम दोगे, उसमें ये आ सकता है, पूछा जा सकता है. ये आपके नॉलेज के लिए, और हमारे कंट्रीज के अंदर जो भी लोग होते हैं, जो भी पीपल्स लीव कर रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि हमारी जो कंट्री थी, वो ब्रिटिशर्स के रूल से कब फ्रीडम हुई थी, कब आज़ाद हुई थी. तो ये हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. इट इज़ 15 अगस्त 1947. थर्ड, इन मेघराज विलेज इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर द विलेजर्स टू मूव अराउंड द नेक स्टैचू मेड बाय ब्रिटिशर्स ऑन द डे ऑफ डैस होली. यानी मेघराज विलेज के अंदर जो स्टैचू बनाया गया था स्टूडेंट्स, उस स्टैचू के आसपास विलेजर्स, यानी विलेज के अंदर रहने वाले जो विलेजर्स थे, जो लोग थे, उनको कंपलसरी उसके आसपास, स्टैचू के आसपास कंपलसरी घूमना पड़ता था. अराउंड मीन्स चक्कर लगाने पड़ते थे, ऐसा ब्रिटिशर्स लोगों का रूल था. और वो जो घूमना पड़ता था, जिस दिन घूमना पड़ता था, वो कौन सा डे था? कि वो डे था होली का, ठीक है. तो मेघराज विलेज के अंदर ब्रिटिशर लोगों ने जो स्टैचू बनाया था, उसमें एक रूल्स रखा था कंपलसरी कि गांव के रहने वाले जितने भी लोग होंगे, स्टैचू के आसपास मूव करेंगे, घूमेंगे स्टैचू के आसपास, ठीक है. और वो किस दिन घूमेंगे? होली के दिन. फोर्थ, टू हॉनर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी बाय द चिल्ड्रंस अप टू 16 ईयर्स ऑफ एज डैस अवार्ड वॉज डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1987. टू हॉनर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी, यानी चिल्ड्रंस की बहादुरी के लिए, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी के लिए, 16 ईयर्स की एज में जो अवार्ड डिक्लेयर किया गया था 1987 में, वो अवार्ड किससे रिलेटेड था? भारत से. फिफ्थ, द क्रेडिट ऑफ द सक्सेस ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट्स इन बारडोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात गोज टू डैस. इट मीन्स
हमारे गुजरात के अंदर बारडोली सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया गया था बाय द महात्मा गांधी, हमारे जो लीडर्स हैं महात्मा गांधी के थ्रू, ठीक है। तो हमारे महात्मा गांधी के थ्रू गुजरात के अंदर बारडोली सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट्स। उसका क्रेडिट और सक्सेस में किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के थ्रू, ठीक है। तो उसका क्रेडिट पूरा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत ही इसमें वर्क किया था बारडोली सत्याग्रह मूवमेंट्स में, बहुत ही इनका सक्सेस में सफलता इन्होंने प्राप्त की थी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो स्टूडेंट्स आपको आपका होमवर्क है आज का चैप्टर नंबर 11 के MCQs राइट डाउन करने हैं, आपकी HW नोट्स में 2 times एंड फिलअप्स आल्सो राइट डाउन करने हैं आपकी HW नोट्स में 2 times। लर्न एंड राइट 2 times MCQs एंड फिलअप्स इन योर HW वर्क। जितना मैं यहाँ से वीडियो सेंड कर रही हूँ उतना ही आपको लर्न करना है, राइट डाउन करना है। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।